अगर थंबल देके आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो जाहिर है कि आपका जो है लास्ट टाइम चल रहा होगा प्रेगनेंसी की मेरी तरह, और आप भी जानना चाहती हैं कि आपके हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिपिक मॉम इंडिया। आज हम बात करेंगे कि आपका हॉस्पिटल बैग कब तैयार करना चाहिए, आपके हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना चाहिए, और सबसे मेन बात कि आपके हॉस्पिटल बैग बेबी के लिए क्या होना चाहिए। तो वुड बी मॉम, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको हॉस्पिटल बैग कब तैयार कर लेना चाहिए। आपको अपना हॉस्पिटल बैग जो है वो आपके 37 या 38 वीक तक आपको रेडी कर लेना चाहिए। आपको जितने भी क्लोथ जो आप हॉस्पिटल बैग में रखने वाले हैं उनको वॉश करके, डिटॉल में वॉश करके तब उनको अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले से रेडी होंगी तो बहुत सही रहेगा। आप अगर 38 वीक के बाद करेंगी तो उस टाइम क्या होता है, आपको कॉन्ट्रेक्शन भी स्टार्ट हो सकते हैं। आप उस हालत में ना हो कि सारे कपड़े वॉश करके डिटॉल में निकाल के तब आप अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करें। उस टाइम आप कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बेटर रहेगा कि आप अपना बैग जो है थोड़ा पहले से रेडी कर लें, ताकि अगर आप कुछ भूल रही हैं तो वो आपको आने वाले 2 हफ्तों में याद आ सकता है और उसको आप अपने हॉस्पिटल बैग में रख सकती हैं। हॉस्पिटल बैग को रखते हुए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तो सबसे पहली बात ये है कि आपको कितना टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपको 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहना है, या अगर आपकी सिजेरियन होने वाली है तो आपको 3 से 4 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में रहना है, उस हिसाब से सारे क्लोथ जो है अपने बैग में रखने हैं। तो अपने डॉक्टर से आप पहले ही कंसल्ट कर सकती हैं कि बता देते हैं डॉक्टर ज़्यादातर कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है या सिजेरियन होने वाली है। कई केसेस में बता देते हैं, कई केसेस में पता नहीं चलता है। तो अगर आपकी गायनेक आपको बता देती है कि आपको जो है नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो आप अपने 2 से 3 दिन के जो कपड़े हैं अपने और बेबी के कपड़े उनको रखिए। लेकिन अगर आपका जो है सिजेरियन है, सिजेरियन में तो डॉक्टर पहले से बता देते हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर कुछ ही केस होते हैं जिनमें लास्ट में सिजेरियन होता है। अब आपको जो है वो 1 हफ्ते से ज़्यादा हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, कई बार 10 से 15 दिन भी हो जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपके साथ कोई हॉस्पिटल में रहने वाला है तो आपके उसके भी क्लोथ उसी हिसाब से रखने पड़ेंगे जिस हिसाब से आप अपने क्लोथ रख रहे हैं। 1 से 2 आप अपने हस्बैंड के लिए या अपनी सास के लिए 1 से 2 क्लोथ जो है वो आपको भी रखने पड़ेंगे अगर वो आपके संग हॉस्पिटल में रहते हैं। अगर हॉस्पिटल के जैसे कई बार दूर होता है, अगर पास में ही वो लोग अपडाउन कर सकते हैं तो आपको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए कि कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल आपको जो है जो मदर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं आधे से ज़्यादा जो है हॉस्पिटल ही प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे जब आपका डिलीवरी होता है तो गाउन हॉस्पिटल दे देते हैं, आपको जो सैनिटरी पैड्स है वो हॉस्पिटल दे देते हैं, और भी 1-2 चीज़ें होती हैं जो वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो कुछ हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं, कुछ हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं करते। आप जिस हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी कराना चाहते हैं तो वहाँ पे आप पहले से पता कर सकते हैं कि वो लोग क्या क्या आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वो चीज़ें आपके हॉस्पिटल बैग में से जो है वो कम हो सकती हैं। मदर्स के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप कीजिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मॉम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेबी के लिए आपको बैग में क्या क्या रखना चाहिए। आपको अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए अगर सर्दियों में डिलीवरी है तो आपको वार्म क्लॉथ रखने चाहिए, अगर गर्मियों में है तो आपको हल्के मोटे, ज़्यादा हल्के ना हो ज़्यादा मोटे भी ना हो, एक जो न्यूट्रल कपड़ा होता है आप उसको रखिए, जिससे बेबी को जो है जैसे वो 9 महीने अंदर जो पेट में रहता है पूरा वार्म रहता है, बाहर आते ही उसको अगर बाहर के एटमोसफेयर में थोड़ी सी ठंड सी लगती है तो वो बहुत बच्चे जो है बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो आपको उसके लिए जो है थोड़े एक मोटे जो क्लोथ हो सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, वैसे कपड़े रखिए अगर गर्मी में है। अगर सर्दी में है तो आप उसके लिए वार्म क्लॉथ रख सकती हैं। उसके अलावा आपको जो बेबी के हैं, कम से कम अगर नॉर्मल डिलीवरी भी है तो आपको जो है 5 से 6 जोड़ी कपड़े रख लेने चाहिए। उसके अलावा उन कपड़ों को आपको पहले से वॉश करके डिटॉल में निकाल के अच्छे से उनको क्लीन करके रखना चाहिए। बेबी के क्लोथ्स के अलावा आपको बेबी के डायपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कई हॉस्पिटल बेबी के डायपर जो प्रोवाइड करते हैं, कई लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आपको अच्छा रहेगा कि आप पहले से जो 1 पैकेट बेबी का जो है न्यूबॉर्न बेबी का डायपर जो आता है सॉफ्ट जो होते हैं उनको आप कैरी करें। उसके अलावा आपको जो है बेबी के लिए वाइप्स रखने चाहिए। जब बेबी शुशु पॉटी करता है तो आपको उसके वाइप्स करने के लिए तो जो 1 वाइप्स का पैकेट जो है आपको अपने पास रखना चाहिए। इसके पैकेट 1 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है बेबी है ज़्यादा ही जल्दी जल्दी जो पॉटी शुरू करते हैं, तो आपको वाइप्स की ज़रूरत बार बार पड़ सकती है। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी को लपेटने के लिए आपको एक ब्लैंकेट भी लेना चाहिए, एक सॉफ्ट ब्लैंकेट होना चाहिए। अगर गर्मियों में है तो वो ब्लैंकेट ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, जो हल्के से ब्लैंकेट आते हैं उसको आप यूज़ कर सकती हैं, और अगर सर्दियों में है तो आप एक मोटा ब्लैंकेट ले सकती हैं। वो ब्लैंकेट जो है बेबी को जो है वार्म रखता है।
तो आपको एक ब्लैंकेट भी लेना चाहिए। इसके अगर आपका बेबी सर्दियों में आने वाला है तो उसके लिए आपको जो है कैप रखनी चाहिए, वार्म कैप रखनी चाहिए, ग्लव्स रखने चाहिए और सॉक्स भी रखनी चाहिए। अगर बेबी गर्मियों में आने वाला है तो उसके लिए आप एक हल्का जो कपड़े का जो कैप लेडीज़ बनाते हैं घर में वो रखना चाहिए, क्योंकि बेबी का भी सिर कवर करना बहुत ज़रूरी है। हल्का कैप बेबी के लिए होना चाहिए और उसके लिए जो हल्की सॉक्स भी आप रख सकते हैं, जो लोग गर्मियों में वियर करते हैं वो सॉक्स आपको रखनी चाहिए। बात करते हैं कि वुड बी मॉम को अपने लिए क्या रखना चाहिए बैग में, तो आप कब हॉस्पिटल जाने वाले हैं ये तो आपके पेन पे डिपेंड करता है, उस टाइम आपने क्या पहना है और क्या किस सिचुएशन में आपको पेन आ रहा है। तो जाने वाले कपड़ों का तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आप हॉस्पिटल में क्या पहनेंगे और वहाँ से जो आने वाले कपड़े हैं उनके हिसाब से आपको अपना बैग रेडी करना चाहिए। कई हॉस्पिटल में जब आप रह रहे होते हैं 2 या 3 दिन के लिए आप जब रहते हैं, तो कुछ हॉस्पिटल जो है अपने गाउन प्रोवाइड करते हैं, तो डिलीवरी के टाइम आप हॉस्पिटल के गाउन पहने वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम जो है बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, आपके जो कपड़े हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है ख़राब हो सकते हैं, तो हॉस्पिटल जो है अपने गाउन प्रोवाइड कराते हैं वो बेस्ट ऑप्शन है। कि जब तक आप हॉस्पिटल में रह रहे हैं आपकी डिलीवरी का जो टाइम है, जब तक आपकी डिलीवरी हो रही है तब तक आप जो हॉस्पिटल के गाउन ही पहने। उसके बाद कई हॉस्पिटल डिलीवरी के जब बेबी आ जाता है उसके बाद अपने गाउन प्रोवाइड नहीं करते, तो उसके लिए आपको अपने जो एक दो कपड़े रखने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आपको अगर लॉन्ग मैक्सी में आप कंफर्टेबल हैं तो आप मैक्सी रखिए, आप पजामा टी शर्ट में कंफर्टेबल हैं तो आप उसको रखिए, जो है वो बाद में भी अपने गाउन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप वो रखिए। अगर आप 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहने वाले हैं तो आपको 2 या 3 पेयर जो है अपने मैक्सी या जो भी पजामा टी शर्ट है उसको रख सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आप रहेंगे तो फिर आपको उसी हिसाब से जो है अपने कपड़े रखने पड़ेंगे। मदर्स के क्लोथ्स के अलावा आपको जो है सैनिटरी पैड्स रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ हॉस्पिटल स्टार्टिंग में प्रोवाइड करते हैं जो सैनिटरी पैड होते हैं, वो उनके अलग ही सैनिटरी पैड होते हैं जो कि हैवी फ्लो को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप हॉस्पिटल वाले पैडों में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपको पहले से ही जो मैनेटरी पैड्स आते हैं उनको लेके रखना चाहिए। आप 1 या 2 पैकेट रख सकते हैं, वो इनफ है, क्योंकि आपको दिन में 4 या 5 बार भी बदलना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है आपका कितना फ्लो हो रहा है, कुछ को बहुत ज़्यादा ही फ्लो होता है और कुछ लोगों को ठीक सा फ्लो होता है, लेकिन हाँ वो नॉर्मल से तो ज़्यादा ही होता है, तो उस हिसाब से आपको जो है सैनिटरी पैड्स रखने चाहिए। उसके अलावा आपको अपने लिए जो है सैनिटाइज़र रखना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र रखना चाहिए, क्योंकि आप जब बेबी को बार बार टच करते हैं तो वो न्यू बॉर्न बेबी है और मदर को उसका स्टार्टिंग में थोड़ा जो काम करना पड़ता है उसको वाइप्स भी करना पड़ता है। हो सकता है कि कुछ हॉस्पिटल वाले करके देते हैं फर्स्ट टाइम वो वाइप करने के बाद, और लेकिन आप जब 2-3 दिन रुकेंगे तो आप बेबी को अगर वाइप करना चाहते हैं तो अपने हाथ जो है सैनिटाइज करके ही बेबी को जो है आप टच करें तो वो बेटर रहेगा। इसके अलावा आपको एक अलग से किट बना के रख लेनी चाहिए जिसमें आप अपना पेस्ट ब्रश और अगर आप तो मेकअप यूज़ करना चाहते हैं कि उस टाइम आप जो है अपने जो मोमेंट्स होते हैं हैप्पी मोमेंट्स होते हैं उनको कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप जो थोड़ा सा अपना मेकअप रखना चाहते हैं तो उसको आप अपने किट बना के रख सकते हैं, उसको भी अपने आप बैग में रखिए। उसके अलावा आपको एक जो है जो कॉटन क्लॉथ होता है 3 से 4 मीटर लंबा वो भी अपने बैग में रखना चाहिए, कभी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो उसको अपने अपने बैग में रखना चाहिए। इसके अलावा अपने लिए कई लेडीज़ जो होती हैं जैसे बोला जाता है कि जो एल्डर लेडी होती हैं वो बताती हैं कि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आपको अपना जो है सिर बांध के रखना चाहिए, तो आपको एक अगर गर्मियाँ हैं तो आप एक हल्का कपड़ा ले सकती हैं या फिर सॉफ्ट से स्टॉल ले सकती हैं उससे अपने सिर को बांधे। अगर सर्दियाँ हैं तो आपको वार्म कैप या स्कार्फ वगैरह जो आते हैं जो लेडीज यूज़ करती हैं उसको रखना चाहिए, क्योंकि आपके अपनी बॉडी को भी कवर रखना चाहिए। इस टाइम जो है जहाँ हवा लग जाती है उससे आपके बॉडी में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। जो डिलीवरी है वो भी अभी डॉक्टर ने बोला है कि 1 हफ्ते में हो सकती है, और हो सकता है कि मेरी जो ड्यू डेट डॉक्टर ने दी थी 22 जून की उस दिन हो सकती है, तो मैंने तो अपना जो बैग है रेडी कर लिया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी भी ड्यू डेट पास में ही होगी या फिर डिलीवरी डेट जो है पास में होगी जैसे कि मेरी है। अगर मैं इस वीडियो में कुछ भूल गई हूँ या फिर कुछ बताने से रह गया है या फिर आप अपने बैग में जो मैंने चीज़ें बताई हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखना चाहती हैं या रख रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मुझे भी आपके गाइडेंस की ज़रूरत है ताकि मैं भी अपने बैग में जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कर रख सकूँ, गाइडेंस के अनुसार मैं भी अपने बैग में जो एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकूँ जो मैं रख। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे चैनल पर।